नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी की योगी सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने वाले दावों की धज्जियां उड़ाते हुए बदमाशों ने कन्नौज जिले के छिबरामऊ में डकैती का विरोध करने पर बुजुर्ग पति पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। घनी आबादी के बीच हुए डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम बुलाकर पुलिस हत्यारे के साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। वहीं घटना ने प्रदेश सरकार के उन दावों की भी पोल खोलकर रख दी है जिसमें अपराध और अपराधी पर अंकुश लगाने की बात कही जाती रही है। आपको बता दें कि घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बिरतिया मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल कोतवाली से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। देर रात डकैती के मकसद से छत के रास्ते घर में घुसे और घर में लूटपाट करने लगे। इसी दौरान बुजुर्ग दंपति ने इसका विरोध किया तो डकैतों ने उनकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। बिरतिया मोहल्ला निवासी मृतक रामकिशन अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे। रामकिशन का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो गई है और बेटा दिल्ली में रहता है। घटना की जानकारी मोहल्ले वालों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। घटना यहीं पर हुई, कांसीराम कॉलोनी बिरतिया मोहल्ला ऊंची पुलिया के नीचे हुई है। सर, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, लूट मार लिया है और दोनों दुआ बड़ी माँ को मार दिया है। और जब हम सो रहे थे तो जो एक वाल्मीकि था वो कुंडी खटका रहा था तो हम तो जो यहाँ के लाला राम जो होंगे उनको उनसे कहा कि भैया जो कुंडी खोल नहीं रहे, हमको तसला चाहिए, तसला ले लें तो हम ये झाड़ू वाड़ू मार के तो हम पानी मार दें। मैं तो वो तसला लेने के लिए ठड़ा रहा तो उसके बाद में लाला राम भैया ने कहा कि कुंडी ये साहब, उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ बताया कि बंटी की तरफ बता दो आए। तो ले तो देवेंद्र थे और वो दोनों लोग, एक मेरी वाइफ थी, वो दोनों लोग कुंडी उन्होंने खोली जाएगी, कुंडी खोल दी क्या देवेंद्र ने कुंडी खोली और गुड़िया जो थी उसने एकदम देखा तकिया लगी हुई है, एकदम वो रो के भजी और हम सो रहे थे तो एकदम कहा जाए भैया बड़ी मत हुआ मुँह नोच लो वही को बस हम बाजते ही भैया आए। फिर हम रो पड़े एकदम से, बस इतनी बात तो हम आए, हमने तुरंत हाथ पकड़ी, देखो दुआ बड़ी माँ कहीं हम एकदम चिल्लाए, पर हमने कचू ने हाथ पाँ टंडा ये बिल्कुल नहीं। फिर हम रोए पड़े, हमने तुरंत राजा अपने राजन भैया तो फोन करो, हमने बस इतनी बात। हमारी बहन है और मैं तो रात दमे की ताल पे ही हैं, दमे की ताल रात हमने ना ही जानी, हमें फोन पे खबर गई कि तुम्हारी बहन कचही वगैरह देखो चले, तो हमने कहा ही होके देखो चले। यार काहे फोन करके रह गए, एक बार फोन काट। क्या नाम है आपको, कब जानकारी हुई थी? अभी अभी सवेरे। कौन कौन रहता था यहाँ पर? कोई नहीं, ये दो ये रात खाली और लड़का बाहर, रात को बिटिया बाहर रही। आपको कैसे जानकारी हुई? हमें तो पड़ोसी ने बताई, हमारे हिंद कोई लड़का गाँव बच के दिन ने कही तुम्हारे बहन मन कुछ हुई हो, तो हमने कहा हुई हो कहीं चल के देखो, या डकैती जब रही कहीं मत दो नहीं जाके। कितने लोगों की मौत हुई है? दो ही ने बताई, दो ही लोग घर में रहते हैं। दो ही लोग ये रहते हैं। सामान कहीं गया है कुछ? सामान जाके चोरी हुई है और दो लोग मार गई है। क्या नाम है? राम किशन। दोनों लोगों क्या नाम है? राम किशन को और उनको बिघना नाम है, बिघना नाम है। क्या नाम है दोनों लोगों का? इनको राम किशन, उनको बिघना नाम। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि दोनों की हत्या सर में ईंट पत्थर मारकर की गई है और घर का सामान ले जाने की भी कोशिश की गई है। संभवतः बदमाश छत के रास्ते से घर में घुसे होंगे। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। हर पहलू की जाँच की जा रही है और जाँच करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। घटना है, रामकिशन यादव जी थे और उनकी पत्नी विष्णा देवी, दोनों सोई हुई थी, कोई ऊपर से आकर के उन दोनों लोगों की हत्या कर दिया है, साथ में अटेम्प्ट भी किया गया है उनके सामान को ले जाने के लिए। मौके पर पुलिस टीम आकर के घटनास्थल सुरक्षित किया गया है, डार्क स्क्वाड बुलाया गया है और फील्ड यूनिट साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके इनके तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ पता चल पा रहा है कि जैसे किससे हत्या हुई है? ऐसा है कि अभी जो वहाँ पाया गया है उसमें एक पटरा रखा हुआ है जिससे उनके सर पे प्रहार पाया जा रहा है, बाकी जो उनकी पत्नी बगल में लेटी हुई थी उनके किसी गर्दन पे निशान पाया जा रहा है, बाकी शरीर पे कोई ऐसी चोट नहीं पाया गया जाएगा।